ललितपुर में मानक विहीन एम्बुलेंसों की भरमार हो गई है। इनके चालक मरीजों की जान से खिलवाड़ करके मनमाने रुपए वसूल रहे हैं और इन पर नहीं कसा जा रहा है शिकंजा। तो वही जिले में शहर से लेकर कस्बों तक जहां बिना पंजीकरण व बिना डॉक्टर के अस्पताल चल रहे हैं, तो वही बिना संसाधनों के अपंजीकृत एम्बुलेंस भी फर्राटा भर रही है। यह एम्बुलेंस मरीजों से लेकर सब तक ढो रही है। ज्यादातर तो एम्बुलेंस ऐसी है जिनमें ना तो ऑक्सीजन की व्यवस्था है और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती है। प्राथमिक उपचार के लिए दबाव के भी इंतजाम नहीं है। आगे व पीछे एम्बुलेंस लिखवाकर टैक्सी की तरह चल रही हैं। वह मरीजों को गैर जनपदीय अस्पताल पहुंचाने के लिए भी मनमाना किराया वसूल रहे हैं। आखिर किस तरह मनमानी हावी है, देखिए वरिष्ठ पत्रकार महेश प्रसाद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट में। इस समय में काशीराम संयुक्त चिकित्सालय ललितपुर के गेट पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर कि शासन आदेशों को धता बता रहे हैं प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन, जिनके एआरटीओ कार्यालय में ना कोई सभी किसी प्रकार के कोई अवलेख हैं ना कुछ, जबकि ये जनता का जोहन कर रहे हैं, मरीजों के साथ खुली लूट कर रहे हैं। इनके लिए कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपने मन मर्जी से ये काम करते चले आ रहे हैं। आखिरकार सरकारी एम्बुलेंसों का क्या कार्य, सरकारी एम्बुलेंसें मात्र 100 पीस बन के खड़ी हुई हैं और इन गाड़ियों के लिए कोई डीजल का चक्कर बताता है तो कोई बताता अपनी गाड़ी को खराब बताता है। आखिर ये प्राइवेट एम्बुलेंसें किस प्रकार गरीब पर शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण सरकारी काशीराम संयुक्त चिकित्सालय के सामने देखा जा सकता है। इनकी दलालों की सेटिंग है सरकारी अस्पताल के किसी कर्मचारियों से, जिसके बलबूते पर यह अपने वाहनों को लाते हैं और एम्बुलेंसों से गाड़ियों पर ले जाते हैं और किराया होता है 1200 तो यह 3000 से अधिक मांगते हैं। इन एम्बुलेंसों के लिए कोई भी किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है और ये खुलेआम जनता के साथ लूट खसोट करके उनका शोषण पीड़ कर रहे हैं। आखिरकार ये शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं तो क्या है, शासन मौन क्यों है? जिलाधिकारी ललितपुर आलोक सिंह को चाहिए कि ऐसे वाहनों के मालिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि इनके द्वारा खुली लूट को रोका जा सके। शासन के निर्देश हैं कि कहीं पर भी किसी मरीज का कोई रिश्तेदार यदि खत्म हो जाता है तो सरकारी वाहन से एम्बुलेंस से उसको गतांग तक भेजा जाता है, लेकिन प्राइवेट वाहन अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनकी सरकारी अस्पताल में पैड है और इनकी किससे पैड है इसकी अगर जांच की जाए तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। यह भी जानकारी मिली है कि यह प्राइवेट वाहनों के खिलाफ एक बार जनता का हो रहा है, गरीब जनता का शोषण हो रहा है और यह खुली लूट कर रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दें, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट कथन है कि लूट खसोट गरीबों के साथ अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं होंगे और इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री की द्वार दूसरी बार शपथ ली है। आखिरकार यह क्या हो रहा है, इसके लिए किसी का ध्यान, सिंह जी को चाहिए कि तत्काल एक जांच कमेटी गठित करें और प्राइवेट एम्बुलेंस मालिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। इनके ना कोई सही अभिलेख हैं, गाड़ियों पर कोई नेम प्लेट कहीं की लगाए हैं तो कोई कहीं के कागज रखे हुए हैं। आखिरकार इसकी जांच कौन करेगा, एआरटीओ भी मौन चिद्रा में लगे हुए हैं, वही भी इन वाहनों की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान, अपनी मनमानी के चलते गरीब जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग की जाती है कि ललितपुर के इन एम्बुलेंसों की जांच कराई जाए, ये एम्बुलेंसें कहाँ की हैं, कौन की हैं और कहीं ये कागजों के फर्जी बाड़ा तो नहीं चल रहा है। आखिरकार इन एम्बुलेंसों के विरुद्ध कब कार्रवाई होगी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। प्राइवेट वाहन गरीबों का शोषण
उत्पीड़न के साथ साथ खुली लूट कर रहे हैं। जहां का किराया 2000 होता है तो वहां का 4000 मांगते हैं, क्योंकि बेचारे मरीज को मजबूरी में पैसा देना पड़ते हैं, क्योंकि उसे अपने मरीज को जो गतांग तक ले जाना है, उसकी जान की जो रक्षा करना है। आखिरकार इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, यह घोर चिंता का विषय बना हुआ है। जिलाधिकारी आलोक सिंह तत्काल एक जांच कमेटी गठित करें और इनके विरुद्ध एक अभियान चलाएं, ताकि ये फर्जीवाड़ा रोका जा सके और शासन के निर्देशों का सही तरह से क्रियान्वयन हो सके और गरीब जनता को लाभ मिल सके। जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री का कथन है कि हम गरीबों का दोहन नहीं होने देंगे, शोषण नहीं होने देंगे और भ्रष्टाचारियों को तत्काल हम जेल की सलाखों में भेजेंगे। आखिरकार यह कार्रवाई कब होगी, यह घोर चिंता का विषय है। अभी कुछ दिन बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या समझा जाए कि गरीब जनता के साथ न्याय होगा या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। मैं पंडित महेश प्रसाद शर्मा, काशीराम संयुक्त चिकित्सालय ललितपुर।